था वो खराब हो चुका है, तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड शिवम त्रिपाठी, एम वेलकम माय घोस्ट चैनल रियल घोस्ट अंतर 10-26। और आज हम आए हैं अपने एक रिलेटिव्स प्रदीप मिश्रा के यहाँ, इनके गांव लखरावा में। और इनकी एक समस्या थी जो कि इन्होंने हमें कमेंट किया कि हमारे गांव में एक हॉन्टेड हाउस है, गांव के बाहर थोड़ा सा है, वहाँ पर क्या हुआ था। इसकी कहानी इन्होंने हमको ये बताई कि वहाँ पर अचानक एक आदमी की 12 या 1 बजे मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज तक उसका रीजन नहीं पता चल पाया कि किस कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो वही चीज़ आज हम देखने जा रहे हैं, और उस घर में हम थोड़े घंटे 12-1 बजे तक नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद वहां का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो देखेंगे क्या वहां पे असल में कोई ऐसी सच्चाई है या ऐसे ही कहानी बनाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे। और हमारे साथ प्रदीप मिश्रा, हम और हमारे भाई सुमित, 3 लोग हैं। चलिए आइए चलते हैं, चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे प्रदीप ने हमको कमेंट किया था कि आप इस जगह पे आइए और यहाँ का एक बार सर्वे करिए कि यहाँ पे वाकई में कुछ ऐसा है। तो प्रदीप, आपको क्या लगता है, कोई ऐसी कहानी जो यहाँ पे हुई हो आप हमको बताना चाहते हैं या हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं? उन्होंने बस बताया कि भैया हम कैमरे में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि गाँव का माहौल है, रिश्तेदारी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तो हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे, और ये विशालकाय पेड़ है जो कि देखने में भयानक लग रहा है। तो चलिए चलते हैं सुमित भाई और उस जगह का रिएक्शन देंगे। हम कमेंट किया था प्रदीप ने, फिलहाल काफ़ी बड़ा पेड़ है इधर, और पीपल के पेड़ काफ़ी इधर देखने हैं हमको। और हम लोग पैदल ही उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ की कहानी प्रदीप ने है। फिलहाल यहाँ पे बहुत रोड खराब है, तो हम लोगों ने सोचा गाड़ी लाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि खराब रोड है, कांटे वाटे भी हैं यहाँ पे, तो गाड़ी खराब हो जाएगी रास्ते में ही। तो 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम लोग आराम से तय कर लेंगे। तो 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही तय करते हैं। तो यहाँ पे बस बात यही है कि क्या ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हम लाला से थोड़ा बहुत पूछना चाहेंगे उस जगह के बारे में। तो लाला बताइए उस जगह की कोई खासियत। देखिए भैया, जब से वो मर गया है तब से वो बहुत खतरनाक जगह हो गई है, इसलिए वहाँ कोई आदमी आपके गांव का, हाँ कोई आदमी भी वहाँ नहीं जा पाता। शाम 6-5 बजे से वहाँ रास्ता बंद हो जाता है। तो मतलब सभी गांव वाले इतना डर गए हैं कि 6 बजे के बाद उधर जाते ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत डर चुके हैं कि वो जब से खत्म हो गए हैं, ऐसा कोई फिर जैसे पायल की आवाज हो गई सुनने में आता है, कुआं से पानी भरते हुए, मतलब बहुत सी चीज आहटे सुनाई देती है, पायल की आवाज, मतलब वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो गया है उस क्षेत्र में सुमित, इसीलिए गाँव वाले वहाँ पे जाना आना बंद कर दिए हैं। तो यही देखना है हम लोगों को कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसका हम फायदा ले सके वीडियो में।
ये वो घर है, ये वाला, ये वो घर है जहाँ की बात हम कर रहे थे। और काफ़ी पुराना घर है, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं जब ऐसी घटना हुई थी तो छोड़ दिए। तो यहाँ पर नाइट स्टे करने का यही रीज़न है कि हम देखेंगे कि क्या यहाँ वाकई में कुछ ऐसी निगेटिव शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो कि अपनी पावर दिखाती हैं। तो आज हम 12-1 बजे तक यहाँ पर नाइट स्टे करने वाले हैं। हमारे साथ सुमित हैं। तो सुमित, आपको कुछ कहना है यहाँ पे? अतरंगी सी प्लेस है जहाँ आज भी लोगों को चीज़ें वही दिखाई देती हैं जो चीज़ें हम लोग केवल कहानियाँ या फिर टीवी पिक्चरों में अधिकतर देखा करते हैं। यहाँ पे अतरंगी इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि हम लोग जहाँ भी आज तक वीडियो बनाने गए हैं वहाँ पे कहीं भी पहाड़ का जिक्र नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बगल में पहाड़ है और वहाँ पे प्लांट वाला काम होता रहता है। तो वहाँ से अभी हम लोग होके आए, तो हमने सुमित से बोला कि यार ज़्यादा हॉन्टेड तो यही लग रहा है, लेकिन चूंकि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है इस घर के लिए तो यहाँ पे वीडियो बनेगा और इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए चलते हैं और रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हम कैमरा रख के देखेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको दिखाने लायक है तो वीडियो का बनाने का फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। ठीक है सुमित, रिकॉर्ड। फिलहाल हमारे साथ सुमित भाई हैं और इन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम पहाड़ चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन अनजान जगह पे आके हम अनजान खतरनाक शक्तियों से लड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए हमने मना कर दिया। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी माहौल शांत है और वो उस तरफ आप देख रहे होंगे उधर लाइट जल रही है, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर या 1 किलोमीटर लमसम 1 किलोमीटर एक किलोमीटर के बाद जल निगम है जो गांव का जल निगम है, और उसी के 500 मीटर बाद गांव है जो इनका गांव का नाम है लखरावां, कोई रिश्तेदारी होगी वहां पे। हम लोगों ने वहां पे काफ़ी समय बिताया लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन अचानक हड़बड़ी में हमारा मोबाइल गिर गया। दोस्तों ये देखिए आप लोग, पूरा का पूरा मोबाइल का जो ग्लास था वो ख़राब हो चुका है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर